मैं घर जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ ई रिक्शा में, आप देख सकते हो, क्योंकि आज मोम एंड डैड गए हैं जागरण पे, वहाँ पे भंडारा है एंड जागरण भी है आगे, इसकी भी क्लिप्स मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। सो इसीलिए आज मैं ई रिक्शा से जा रही हूँ। पापा को एक्टिवा चाहिए तो एजेक्टिव होने के पास थी और वो मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। सो मैं घर जा रही हूँ, घर जाके फिर खाना वाना बनाती हूँ, और वो तो पापा तो लेट आएंगे, मम्मा तो सुबह ही आएंगे, जागरण पे गए हैं तो पापा थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के माथा टेक के आ जाएंगे, फिर देखते हैं और घर पहुँचते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी घर पहुंची थी और देखो ये मम्मा एकदम तैयार खड़े हैं जागरण पे जाने के लिए, और देख सकते हो लुक कितना सही लग रहा है, आज येलो कलर पहना है उन्होंने। फ्रेंड्स बताना ये सूट कैसे लग रहा है। सिंपल सोबर और बहुत ही एलिगेंट सा लग रहा है, कलर बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। तो ठीक है, जा रही हूं मैं। सुबह मिलोगे? पापा तो आ जाएंगे अभी, है ना, तो पापा का लुक भी दिखा देती हूँ। पापा ना मैचिंग करके जा रहे हैं मम्मी के साथ, तो आ जाओ आप पापा का लुक ये देखो गाइस, ये जा रहे हैं बंठन के दोनों जोड़ा बन के मैचिंग मैचिंग। पापा आप कितनी देर तक आ रहे हो? एक डेढ़ घंटे तक, चलो ठीक है, बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है गाइस मेरी मोटो का बर्थडे। अब मोटो मैं उसको प्यार से बुलाती हूँ, उसका नाम मोटो नहीं है, उसका नाम है पूर्णिमा अगी, जो मेरी स्टाफ है, मेरी कलीग है, बहुत ही क्यूट सी, तो आपने उसको बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बट कोई नहीं, आज फिर से आपको उससे मिलवाएंगे गाइस। उसका है आज बर्थडे और वो बहुत छोटी सी है ना, एज बहुत छोटी है उसकी, तो बड़ी ना क्यूट सी हरकतें कर रही है बहुत दिनों से, बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन हर कोई एक्साइटेड होता है गाइस, साल में एक बार ये बर्थडे आता है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ अपने बर्थडे के लिए। तो आज सेलिब्रेट करेंगे और ऑफिस चलेंगे, उसे विश करेंगे और उसके लिए छोटी सी पार्टी भी करेंगे आज शाम को ऑफिस के बाद। ऑफिस में तो नहीं करेंगे, बाहर चलेंगे पार्टी करने। अब पार्टी करेंगे तो यूनिफॉर्म में तो पार्टी हो नहीं सकती, तो मैं उसके लिए एक ड्रेस सोच रही हूँ कि ले जाती हूँ वहाँ पे ऑफिस में, वहीं से चेंज करके और फिर निकल जाएंगे पार्टी करने के लिए। हम लोग स्टाफ ने, जो दो चार मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम उसे छोटी सी पार्टी देंगे और उसके लिए केक भी लेंगे। उसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया गाइज मैंने अभी तक, मैंने ये भी नहीं सोचा कि उसको क्या गिफ्ट देना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिछले कई दिन से मैं कन्फ्यूज हूँ। तो आज मार्केट भी चलेंगे बीच में से टाइम निकाल के, आपको साथ लेके चलूँगी गाइज, आप भी डिसाइड करवाइएगा मेरे साथ कि उसके लिए क्या गिफ्ट लेना ठीक रहेगा। एक दो ऑप्शन है मेरे माइंड में, तो वहीं आपको लेके चलूँगी। सो लेट्स सी क्या लेते हैं हम लोग क्या नहीं। सो आज का सारा दिन आपके साथ शेड्यूल है जो वो शेयर करने वाली हूँ गाइज, तो व्लॉग में बने रहिएगा, और पहले उससे मिलवाऊंगी और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहने वाला है वो भी आपके साथ सारा दिन आज शेयर करने वाली हूँ। और मैं क्या यूनिफॉर्म तो मैं पहन के जाती हूँ, क्या मैं लेके जाऊँगी साथ में वो भी आपको भी शेयर करते हैं। उससे पहले गाइज, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज है मंडे और मंडे आज मौसम बड़ा सही है गाइज, मतलब वही सही क्या गाइज, पिछले तीन चार दिन से ना बादल वाला मौसम हो रखा है, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की। सो आपके यहाँ भी बारिश हो ही रही होगी क्योंकि बारिश ना बहुत जगह दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और हल्की हल्की ठंड भी स्टार्ट हो गई है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो ठंड भी स्टार्ट हो गई है गाइज। तो बस अभी चलते अंदर, पहले चलेंगे मंदिर क्योंकि मंडे है, मंडे मेरा शिवलिंग पे जल चढ़ा के शुरुआत होती है मंडे की, तो पहले चलते हैं मंदिर, उसकी तैयारी मैंने कर ली है। और आइए आपको मॉम डैड से भी मिलवा देती हूँ वो क्या कर रहे हैं, और फिर चलेंगे मंदिर, उसके बाद होते हैं ऑफिस के लिए रेडी। सो ये देखो गाइज, ये मेरी मंदिर की तैयारी हो गई है, और इधर मॉम बना रहे हैं मक्खन। हाँ जी, तो मक्खन बना रहे हैं आज, कोई पराठे पराठे बन रहे हैं क्या? हमारा सर्दियों में ना मक्खन के बिना गुजारा होता ही नहीं है गाइज, हमारे घर में जो भी पराठे बनते हैं मक्खन के साथ ही हम लोग खाते हैं। और मम्मी देख रहे हैं साथ साथ कोई व्लॉग, इंजॉय कर रहे हैं व्लॉग। पापा पापा गए हैं दूध लेने गाइज, वो आएंगे तब मैं आपसे मिलवाती हूँ, तब तक मैं हो जाती हूँ रेडी, मैं मंदिर हो आती हूँ फिर रेडी होती हूँ। सो फ्रेंड्स, मंदिर से आ गई हूँ, और ये देखो मेरा फेवरेट चंदन का टीका भी लगा कर आ गई हूँ, इसके लिए मंदिर जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, सारा दिन मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा फील होता है ये लगा के। और अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने, यूनिफॉर्म अभी चेंज नहीं किया है, टाइम 10:30 से ऊपर हो गया है, मुझे तैयार भी होना है, यूनिफॉर्म पहननी है, और मैं फिर पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ तसल्ली से। तो ले आई हूँ दाल और रोटी। अब गाइज, हम लोगों का तो सिंपल खाना होता है, देसी के लोगों का देसी खाना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस इसे खाते हैं जल्दी से, फिर होते हैं तैयार, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जो कपड़े मैंने लेके जाने हैं ना वो भी मैंने तैयार कर लिए हैं,
एक दो ऑप्शन रख लिए हैं, देखती हूँ जो अच्छा लगेगा वो पहन लेंगे शाम को, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में रेडी होके। सो फ्रेंड्स, ये मेरा जो पुराना बैग था जो मैं ऑफिस लेके जा रही थी, उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया है एंड मैंने चेंज कर लिया नया बैग। आइए दिखाती हूँ। सो ये मेरा पिट्ठू बैग है जो मैंने चेंज कर लिया है। मेरे पास बहुत पहले से, इवन ज्योति से यूज़ किया करती थी, तो ये उसी के टाइम का है। और अभी देखियो, ये बिल्कुल नया ही पड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, तो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तब तक वो सूख जाएगा, इसको चेंज कर लिया मैंने। सो रेडी हूँ गाइज ऑफिस के लिए, आ गई हूँ बाहर, चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं अपनी कलीग से, इसको करते हैं विश। तो मैं गाइज ऑफिस पहुँच गई हूँ और आइए मिलवाते हैं आपको बर्थडे गर्ल से भी। इधर देखिए मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आप सब इसको बहुत सारी विशेस देना, ये छुटकी मुटकी जो है मोटो इसको बड़ा सारी ब्लेसिंग्स देना अपनी, इसकी सारी विशेस पूरी हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आज? मजा आ रहा है। awesome? आज एक्साइटेड ही बड़ी थी मैं सुबह से। एक्साइटेड हो रही है? हाँ। चलो अच्छी बात, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा तेरा। और ये है हमारे छुपे रुस्तम जो कभी कैमरे में नहीं आते, आज फाइनली पकड़ लिया मैंने इनको। तो आप क्या कहना चाहोगे बर्थडे गर्ल को? थोड़ा जोर से बोल लो, खाना नहीं खाया क्या? थैंक यू। भैया शर्मा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हैं भैया। सो गाइस, मैं आ गई हूँ मार्केट में और अब जा रहे हैं मोटो का गिफ्ट देखने के लिए, देखते हैं क्या पसंद आता है। ले लिया है, अब सोच रहे हैं केक भी ले ही चलती हूँ क्योंकि अब आई हूँ मार्केट, शाम को तो केक कट कराना ही है, तो केक भी ले लेते हैं। और अब केक कहाँ से लेंगे? अपने फेवरेट कुमार बेकर से। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा केक रेडी मिल जाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं था कि मैं पहले बुक कर पाती, तो मैंने सोचा कि चलो रेडी ही पिक कर लेंगे, और मार्केट का चक्कर लगना ही था आज, तो ले लेते हैं केक भी साथ साथ। तो दोस्तों, गिफ्ट भी आ गया है, केक भी आ गया है। केक मैंने आके चुपके से फ्रिज में रख दिया है, गिफ्ट भी मैंने संभाल लिया है। अब शाम को जब हम लोग चेंज वेंज करके जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए, तब हम मोटो को बताएंगे, सरप्राइज़ देंगे उसे और गिफ्ट भी देंगे और केक भी खिलाएंगे, उसे कटवाएंगे। तो उसे तो अभी तक यही लग रहा है कि वो हमें पार्टी दे रही है, बट उसे ये नहीं पता कि हम लोग उसे छोटा सा सरप्राइज़ ज़रूर देंगे। सो अभी वो बाहर है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। वो अंदर आएगी फिर मैं उसको बोल नहीं पाऊँगी। अब मैं डायरेक्टली आपको मिलूँगी शाम को, जब मैं रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और पार्टी करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार और मैं कैसी लग रही हूँ ये आपको साइड पर लुक दिख जाएगा, अभी आपको दिखा देंगे। और इधर आपको एक और दिखाती हूँ, मेरी एक और कलीग है जो रेडी हो रही है। मैडम इधर ज़रा फेस दिखाना, ये देखिए, ये मैडम अभी तैयार हो रही है। बस 8:30 हो गया है और हमारे निकलने का टाइम भी हो गया है, बस हम चलते हैं यहाँ से पार्टी प्लेस पे और वहीं जाके आपको मिलवाती हूँ बर्थडे गर्ल से भी, और हम क्या खाने वाले हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बस जल्दी से निकलते हैं क्योंकि उसके बाद हमें घर भी पहुँचना है सबको, 8:30 हो गया है, तो निकलते हैं। रिएक्शन देखना चाहिए ना लाइव तो वीडियो बनाते हैं। अच्छा, गंदा रिएक्शन दिया ना ये तो, इतनी इज्जत से खोल दी। इज्जत, चलो अब वही जा रहे हैं एक्टिवा। हां जी, नहीं 3 रुपए में तो फोन है, आधे घंटे बढ़िया। कैसा है? पसंद आई? वही है, ये मेरा देखा और मैंने ऐसे ही बता दिया देखते ही।
तू सियानी है भाई। और इसमें मैंने पहले एक बार और कौन सी वाली है बता, इसमें वॉच कैटेगरी की होगी। तू क्या 5 रुपए का सिक्का देगी इसको गेस करने? बताओ बता। पैक होगा ना, कोई बात नहीं, खा लो। चलो एक बार दिखा देते हैं कौन कौन है यहाँ पे। लो भैया इधर करो, ये लगा। लेडीज फर्स्ट। तूने लेडी बना दिया है? लो सर आप खाओ। आप खाओ बेटा, ले आप। अरे खाओ, अरे खाओ, इधर आओ। चलो सब केक खिला दो यार। ये लो। इसमें सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, शक्ल है ना, कैमरा अच्छा। हाँ फोन तो अच्छा है। मोटी तो ज्यादा मोटी आ रही है इसमें। हाँ बिल्कुल जा रही है, वो मेरे ऊपर है, मुझे डालने के लिए डाल। वाला केक तो खिला दो अपने हस्बैंड। तू ही खिला दे, क्या हो गया? तेरा बर्थडे थोड़ी आगे आ गई सर। चले एक चम्मच भर के खुद खा ले। नहीं रमेश भैया, अरे पागल हो गए ये। जल्दी खा लो। कैसा केक, टेस्टी है? तेरी ही बनाऊंगी खाते हुए। खा तू खा। सो फ्रेंड्स मैं घर पहुंच गई हूँ, चेंज वेंज मैंने कर लिया है और रात के बज रहे हैं 10:15। बस अभी अभी घर आई हूँ, जस्ट चेंज ही किया है वहाँ पे। आने के बाद मैंने जस्ट चेंज ही किया है और आके बैठी हूँ। बस मम्मा पापा के साथ सारा डिस्कशन कर रही हूँ, जो भी मैं पार्टी वार्टी करके आई हूँ, कैसा रहा क्या रहा सब कुछ उनको बता रही थी। बस इसी नोट के साथ गाइज आज का सेलिब्रेशन भी खत्म होता है, आज का दिन भी खत्म होता है और आज का दिन बड़ा अच्छा बीता है। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप जरूर देख पाएं। तो मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।